नमस्कार, वीएस किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मुंबई का फेमस वेज सैंडविच। तो इसे हम तवे पे ही बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड की स्लाइस ली है। ये मैंने यहाँ पे प्लेन वाइट ब्रेड लिया है, आप सैंडविच वाला ब्रेड आता है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे बटर के साथ कोट कर रही हूँ। इस पर हम बटर को अच्छी तरह से फैला लेंगे किसी नाइफ या चम्मच की सहायता से। बटर से इस सैंडविच का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इस पर मलाई भी लगा सकते हैं, पर ये मुंबई स्टाइल है तो इस पर हम बटर यूज़ करेंगे। इस तरीके से हमने इसको भी बटर से कोट कर लिया है। अब हम इस पर लगाएंगे सैंडविच सॉस। इसको हम बटर लगे ब्रेड के ऊपर से ही कोट कर लेंगे। इस तरह से आप ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बॉयल डाल लिया है, इसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ ब्रेड के ऊपर। आप चाहे तो पतली पतली स्लाइस कट कर कर भी ब्रेड के ऊपर रख सकते हैं। इस तरह से हम इस आलू को ब्रेड के ऊपर फैला लेंगे। तो अब हम इस पे डाल रहे हैं सैंडविच मसाला। ये मसाला हमने घर पे तैयार कर रखा है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल नमक और मिर्च भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ ऊपर से, इस तरह से। और अब दूसरी स्लाइस पे भी हम उसी तरह बटर लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने बटर से इसको कोट कर लिया ऊपर से। अब हम लगाएंगे टोमेटो केचप। इसी तरह हम दूसरी स्लाइस पे भी टोमेटो केचप फैला लेंगे। अब हम इस पे लगाएंगे बारीक कटे हुए टमाटर के स्लाइस। इसी तरह हम दूसरे ब्रेड पे भी टमाटर के स्लाइस लगाएंगे। ये फ्रेंड्स, ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी सैंडविच बन के तैयार होगा। आप एक बार इस तरीके से इसको बनाकर देखना। और ऊपर से हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे अपना सैंडविच मसाला। ये हमने दोनों ब्रेड पे सैंडविच मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। और अब हम ऊपर इस पर शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो इस पे डाल लें, वरना अपन इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी ही यूज़ की है ये। ऊपर से फिर हम इस पे सैंडविच मसाला स्प्रिंकल कर रहे हैं। अब हमने दूसरी ब्रेड स्लाइस पे भी पहले बटर लगा लिया है। ऊपर से मैं ये सैंडविच सॉस लगा के इसको सैंडविच के ऊपर रख रही हूँ। इसी तरह से हम दूसरी ब्रेड स्लाइस पे भी बटर लगा के और ये सैंडविच सॉस लगा के इसके ऊपर रखेंगे। और अब हम इस पे डालेंगे चीज़। चीज़ आप चाहे तो इसको पतली पतली स्लाइस कट करके भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको कस लिया है इस तरह से, कद्दूकस से, इस तरह से। इस सैंडविच में चीज़ का बहुत ही अलग टेस्ट आएगा और इसका टेस्ट चार गुना बढ़ जाएगा। फिर हमने एक ऊपर से एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर टोमेटो केचप लगा के इसको ऊपर से कवर कर दिया है। इसके ऊपर हमने सैंडविच मसाला भी डालना है पनीर के ऊपर। ये हमने चीज़ के ऊपर सैंडविच मसाला डाल दिया है हमारा। और ऊपर अब ये हम टोमेटो केचप वाला पीस भी ऊपर से कवर कर देंगे।
अब हम इसे सेकने जा रहे हैं। तवे पे मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से, आप यहाँ बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है तो मैंने यहाँ पे स्टफिंग वाला सैंडविच हमारा रख दिया है। और अब हम इसको और क्रिस्पी बनाने के लिए ऊपर से एक प्लेट लेंगे, कोई भी बर्तन ले जो आप, और उसको इस तरह से प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से। ऐसा करने से फ्रेंड्स हमारा जो सैंडविच होगा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। क्योंकि ये हम सैंडविच तवे पे बना रहे हैं, बिल्कुल ग्रिल सैंडविच जैसा बन जाएगा, उतना ही क्रिस्पी सैंडविच बन के तैयार होगा ये हमारा। बस आपने इस तरह से प्लेट से इसको प्रेस करना है अच्छी तरह से। इस तरह से देखिए ऊपर से इसका कलर कितना अच्छा गोल्डन आया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये सैंडविच हमारा बन के तैयार हो गया है, इसको हम प्लेट में उतारेंगे इस तरह से। देखिए अब हम दूसरा सैंडविच जो मैंने तैयार कर लिया था वो भी इसी तरह से हम इस तवे पे सेकेंगे। ऊपर से अब हम ब्रेड के साथ इसको प्रेस कर लेंगे, अच्छी तरह से दबाना है इसको। फ्रेंड्स ये भी हमारा सैंडविच बनके बिल्कुल तैयार है, देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है इसका, और ये बहुत ही क्रिस्पी सैंडविच बनके तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसको बीच में से काट करके दिखा रही हूँ। इसको काटने से पता चल रहा है कि ये कितना क्रिस्पी सैंडविच बना है। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। देखिए इसके अंदर की स्टफिंग, जो हमने इसमें चीज़ डाला था और जो हमने इसमें सब्जी डाली है, वो सारी लेयर ऐसे दिख रही हैं। और आप इस तरह से इस सैंडविच को बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सैंडविच बनेगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखा कीजिए। देखिए हमने दूसरा भी सैंडविच बीच में कट किया है। ये हमारे सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं, ये रेडी हैं सर्व करने के लिए। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक यू।